हेलो व्हाट्सअप गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम इंकस्केप में ये शॉर्ट इफेक्ट कैसे बना सकते हैं। शुरू करते हैं, इंकस्केप ओपन कर लेंगे। सबसे पहले मैं चले जाऊंगा फाइल्स, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हम ये राइट हैंड साइड में डिस्प्ले यूनिट देख सकते हैं, मिलीमीटर में है। मैं इसे पिक्सल में कर देता हूँ। और जैसे कि हम ये इस तरफ देख सकते हैं, एक ये पेज दिखा रहा है हमें। यहाँ देख सकते हैं हम बॉर्डर में शो पेज बॉर्डर दिखा रहे हैं। हम इसे ऑफ कर देंगे और व्यूज़ में चले जाएंगे। ध्यान रहे कि ये कस्टम सेलेक्ट है, जूम 101। तो जैसे कि हम ये शॉर्ट एक ग्राफिक दे सकते हैं, इसमें जो है सबसे पहले हम ये बुलेट बनाएंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले चले जाऊंगा इधर, जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं टूल बार्स है। मैं इसमें रेक्टेंगल एंड स्क्वायर सेलेक्ट कर लूँगा और कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करके ये इसमें मुझे ऑलरेडी कर्व दिखा रहा है, तो मैं इसे सीधा कर देता हूँ। एक मिनट, जब तुम बनाओगे तो ये इस तरह का बनेगा कॉर्नर साइड में। तो जैसे कि हम इस तरफ ये देख सकते हैं, एक एडिट पार्ट बाय नोट्स टूल है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे और ये ग्राफिक पे सेलेक्ट करेंगे। इससे हमें ये नोट्स मिलता है। तो अभी जो मैं कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करके इस सर्कल को क्लिक करके नीचे की तरफ ले लूँगा, इस तरह से ये भी ग्राफिक के बाहर डीसेलेक्ट कर देता हूँ। इससे सब डीसेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं इसे एक कर्व इफेक्ट मिल गया है। तो अभी मैं जो हूँ इसे ऑब्जेक्ट टू पाथ करना है, उसके लिए मुझे चला इस ग्राफिक को सेलेक्ट करके पाथ में चला जाऊँगा, ऑब्जेक्ट टू पाथ। इससे क्या होगा ना, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अभी हम एडिट पार्ट बाय नोट टूल सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसे देख रहे हमें बहुत सारे नोट्स मिल रहे हैं। तो मैं जो राइट हैंड साइड में कॉर्नर पे है, इसे क्लिक करके कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट करके इसे राइट हैंड साइड की तरफ ले लूँगा। इतना ठीक है। अभी मैं जो हूँ ये तीनों को सेलेक्ट कर लूँगा, इस तरह इस तीनों को सेलेक्ट करके कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करके इसे सेलेक्ट करके अंदर की तरफ ले लूँगा, इस तरह। तो इससे हमें ये बुलेट का शेप मिल गया। ठीक है, इतना ये। अभी हम टेक्स्ट टूल ले लेंगे, इधर लिख देंगे हम शॉर्ट। अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एक टेक्स्ट टूल है, हम इसे ओपन कर लेंगे। ये सब फंड्स है, तो आप कोई भी फंड्स यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैं इसमें जो फंड यूज़ करने वाला उसका नाम है इरेज बोल्ड ITC, ये रहा। मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, इसे कैंसिल कर देते। अभी मैं सेलेक्ट टूल पे क्लिक कर दूँगा, इससे ग्राफिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसे मिडल में लेकर कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करके इसे मैं बड़ा कर दूंगा। इतना ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। हम इस ग्राफिक को इस वर्ड के ऊपर लेकर आ रहे हैं, तो ये बैक की तरफ इसके पीछे जा रहा है। तो इसे ऊपर लेकर आने के लिए जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं रेड सेलेक्शन टू टॉप, हम इसे क्लिक कर देंगे, इसे ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो देख सकते हैं, मैं जो इस पिस्तौल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के लिए मैं कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करूँगा और इसे अंदर की तरफ ले लूँगा। इतना, थोड़ा सा और ले लूँगा। इतना ठीक है। अब मैं इसे दो वर्ड के बीच में इस तरह रखूँगा। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे इस तरह दिख रहा है कि बुलेट इस तरफ शूट करते हुए निकला है। तो ये इफ़ेक्ट बनाने के लिए हम इसे इधर पे ले लेंगे और माउस में राइट क्लिक करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट बना देंगे और कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके ये वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जाएंगे पास डिफरेंस। अभी हम सिर्फ
इस बुलेट को सेलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करके इसे सीधा राइट हैंड साइड में ले लेंगे टी की तरफ, इस तरह। अब हम फिर से वही करेंगे, राइट हैंड माउस में राइट क्लिक, डुप्लीकेट, कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे पाथ डिफरेंस। फिर हम इस बुलेट को सेलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करके इसे सीधा मैं आगे की तरफ ले लेता हूँ राइट हैंड साइड में। इतना ठीक है। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं मैंने इतना बना दिया है। अभी हम ये एक्सप्लोड इफेक्ट दे देंगे इसे। वो बनाने के लिए हम तब टूल बार में हम चले जाएंगे स्टार्स एंड पॉलीगॉन्स में से सेलेक्ट कर लेंगे, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में पॉलीगॉन है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, और कॉर्नर थ्री हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे एक पॉलीगॉन। अभी जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पर एक ही नोट्स है, तो हमें यहाँ पर नोट्स चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट टूल पे चले जाऊँगा, पार्ट ऑब्जेक्ट टू पार्ट, फिर एडिट पार्ट बाय नोट्स सेलेक्ट कर लूँगा। तो इससे मुझे तीनों तरफ नोट्स मिल जाते। मैं नीचे वाली नोट्स को क्लिक करके इस तरह नीचे की तरफ ले लूँगा। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता। छोटा करने के लिए मैं कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करके इसे अंदर की बाहर तरफ, हम बाहर खींचेंगे तो बड़ा होगा और अंदर की तरफ ले गए तो छोटा होता जाएगा। मैं इसे एक अच्छा स्मॉल सा साइज दे देता हूँ, इतना ठीक है। इसे यहाँ पे रख देते। मैं इसका भी एक डुप्लीकेट बना देता हूँ। राइट क्लिक, डुप्लीकेट, कंट्रोल प्रेस करके इसे मैं इस तरफ ले लूँगा। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इनेबल स्नैपिंग, अभी हम इसे ऑफ कर देते। मैं इसका भी एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। राइट क्लिक, डुप्लीकेट, कंट्रोल प्रेस करके कीबोर्ड में इसे इस तरफ ले लेता हूँ और ऊपर की तरफ रख देता हूँ, इस तरह थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। आप ये जो देख रहे हैं मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट करने के लिए हमें ग्राफिक पे डबल क्लिक करना पड़ता है। जैसे कि अभी देख रहे हैं, मैंने एक क्लिक किया और दूसरा क्लिक करूँगा तो हमें रोटेशन एंगल मिल जाता है, इससे हम इसे रोटेट कर सकते हैं। इसमें भी मैं यही करूँगा। मैं इसका भी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। कंट्रोल राइट क्लिक, डुप्लीकेट, और कंट्रोल प्रेस करके इसे ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। मैं ये तीनों ट्रायंगल को सेलेक्ट करके का कॉपी बना देता हूँ, डुप्लीकेट बना देता हूँ। राइट क्लिक माउस में, डुप्लीकेट, और कंट्रोल प्रेस करके मैं इसे राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ। और हमें डबल क्लिक करने पे रोटेशन एंगल मिल जाएगा। मैं इसे थोड़ा रोटेट कर देता हूँ इस तरफ, इतने पे ठीक है। मैं इसे डुप्लीकेट करके कंट्रोल प्रेस करके इसे इस तरफ ले लेता हूँ। मैं ये तीनों ट्रायंगल को सेलेक्ट करके इसका डुप्लीकेट बना देता हूँ। राइट क्लिक, डुप्लीकेट, कंट्रोल प्रेस करके इसे नीचे की तरफ ले लेता हूँ। डबल क्लिक करके रोटेशन एंगल लेके मैं इसे पूरा रोटेट कर देता हूँ, इतने पे ठीक है। मैं इसे पूरा सेलेक्ट करके राइट क्लिक, डुप्लीकेट, कंट्रोल प्रेस करके इसे इस तरफ ले लेता हूँ। डबल क्लिक करके रोटेशन एंगल मिल रहा है,
रोटेशन थोड़ा रोटेट कर देता इतने पे, ठीक है इतने पे, तो थोड़ा इस तरफ रोटेट कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आगे की तरफ ले लेता हूँ। मैं तीनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक डुप्लीकेट कंट्रोल प्रेस करके इधर ऊपर की तरफ ले लेता हूँ और डबल क्लिक करके रोटेशन एंगल लेके इसे रोटेट कर देता हूँ। तो हो गया, अभी मैं जो पूरा ग्राफिक को सेलेक्ट कर लेता हूँ इधर से लेकर जाके इधर, यहाँ पे जो देख रहे हैं ग्रुप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, मैं इसे कर दूं ऐसे एक ग्रुप हो जाएगा ये, और इसे एक कलर दे देता ऑरेंज। तो दोस्तों देख सकते हैं हम इस तरह बना सकते हैं, अगर आपको कोई भी कुछ ना समझाओ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।